आज मैं आपके सामने कुछ कलाकार और उनकी जो प्रसिद्ध बुकों का उन्होंने लेखन किया है उनके बारे में बता रही हूँ, यानी उनकी जो प्रसिद्ध बुक है उनके बारे में बता रही हूँ। तो इसी तरह से आप जो है लगातार चैनल पे बने ले रहिएगा इसी तरह की वीडियो पर। तो पहली बुक है काव्य लोचन का सिद्धांत। कौन सी है? काव्य लोचन का सिद्धांत। दूसरी बुक है साइंस एंड पोइट्री। तीसरी है व्यवहारिक आलोचना। ये तीनों बुक जो लिखी हैं रिचर्डसन ने लिखी है। किसने लिखी है? IA रिचर्डसन ने। कौन कौन सी? काव्य लोचन का सिद्धांत, साइंस एंड पोइट्री, व्यवहारिक आलोचन। ठीक है, अगले अगली जो है मूविंग फॉक्स द लिविंग ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट। यानी ये तीनों कौन बुक जो है लिखी है KG सुब्रमण्यम में। किसने लिखी है? KG सुब्रमण्यम ने। कौन कौन सी लिखी है? मूविंग फॉक्स, द लिविंग ट्रेजिक्सन और पर्सपेक्टिव ऑन मॉडर्न इंडियन आर्ट। ठीक है, अगला है भारतीय चित्रकला ललित कला की धारा। अगली बुक है ललित कला की धारा, रूपदर्शिका, गौतम गाथा, इंडियन एट द ग्लास। ये सारी बुकें जो लिखी हैं ये लिखी हैं असित कुमार हल्दर ने। कौन कौन सी? भारतीय चित्रकला, ललित कला की धारा, रूपदर्शिका, गौतम गाथा और इंडियन एट द ग्लास। अगला है आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प। अगली बुक है आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प, कांच पर भारतीय चित्रकारी, मराठाकालीन तंजोर कला, यानी मराठाकालीन तंजोर कथा और अवनींद्रनाथ ठाकुर और उनके समय की कला। ये बुक लिखी है जया अप्पा स्वामी ने। किसने लिखी है? जया अप्पा। कहीं स्वामी मिलता है, कहीं स्वामी लिखा हुआ मिलता है। अगली है बुक है आर्ट एंड प्रिएशन। क्या है? आर्ट एंड प्रिएशन, इंडियन आर्ट टुडे, ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया। ये लिखी है अमृता शेरगिल ने। किसने लिखी है? अमृता शेरगिल ने। कौन कौन सी? आर्ट एंड प्रिएशन, इंडिया आर्ट टुडे, ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया। ठीक है, आगे हैं अगले कलाकार हैं हमारे ईवी हैवल। इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है? तो ईवी हैवल ने लिखी है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग। कौन सी है? इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, द बंगाल गजट वो द बंगाल पट, इंडियन आर्किटेक्चर, अजंता फेस्को। ये सारी बुक जो लिखी है ये लिखी है ईवी हैवल ने। आगे हैं राष्ट्रीयवाद का दर्शन। क्या है? राष्ट्रवाद का दर्शन। तो ये बुक किसने लिखी है? ये लिखी है आनंद कुमार स्वामी ने। किसने लिखी है? आनंद कुमार स्वामी ने। तो इसी के साथ मैं जो हूँ आज का लेक्चर यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।